तो हेलो भाई लोग, आज देख सकते हैं हमारे पास जो फ़ोन है इसमें हाइपर ओएस लगा हुआ है। ठीक है, तो एम आई, रेडमी, पोको, शाओमी, ठीक है, ये जो चार मॉडल है मतलब कंपनी से है, ये सारा एक ही है। ठीक है, तो इसमें जो हाइपर ओएस लगा हुआ है, कोई सा भी फ़ोन हो जिसमें हाइपर ओएस लगा हुआ है उसमें आप लोग कैसे DPI ऑप्शन ऑन कर सकते हैं, वही मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा। ये जो तरीका होने वाला है यूनिवर्सल मेथड होने वाला है, ये जो जिसमें भी हाइपर ओएस लगा हुआ रहेगा सेम मेथड से ही DPI ऑप्शन आप लोग ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो DPI ऑन करने के लिए आप लोग को जल्द जाना है आप लोग के पहले सेटिंग्स में। सेटिंग्स पे जाने के बाद अबाउट फोन के अंदर इधर आप लोगों को ओएस वर्सन देखने को मिलेगा, जो हाइपर ओएस का बेसिकली वर्सन है। उस पर आप लोगों को तीन चार बार रेगुलर टैप करना है, तो यू आर नाउ ए डेवलपर लिखा आ गया, मतलब आप लोग का डेवलपर वर्सन ऑन हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको लोगों को देखने को मिलेगा बिल्कुल डाउन में एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आने के बाद इधर आप लोगों को नीचे और एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, डेवलपर ऑप्शन। सारा फोन में जो है यही पे ही ऑप्शन मिलेगा जिसमें हाइपर ओएस लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जाने के बाद आप लोगों को एकदम डाउन स्क्रॉल करना है। डाउन स्क्रॉल करने के बाद इधर आप लोगों को ड्राइंग वाला जो सेक्शन मिलेगा, बेसिकली यही आप लोगों का जो है DPI वाला ऑप्शन है, स्मॉलेस्ट विथ। तो यहाँ से तो जिन लोगों को पता है उन लोगों को बताने का जरूरत नहीं है कि यहाँ से क्या करना है। तो ज़्यादातर फोन का डिफॉल्ट DPI 392 ही रहता है, तो आप लोग अगर हट गया तो 392 लगा सकते हैं। और जो लोग गेम खेलते हैं, फ्री फायर, पबजी वगैरह, जिन लोगों को सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए, या फिर अपना जो टेक्स्ट है फुल फोन का उसको छोटा कर सकते हैं, इसको बढ़ा कर। ठीक है, तो फोन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग 600 से 800 तक ही जाए। ठीक है, कोई सा भी हाइपर ओएस वाला फोन हो 600 से 800 तक ही जाए, तो इसके अंदर ही सेफ रहेगा। तो आप लोगों को अगर DPI ऑन करना है बिल्कुल यही मेथड से सारा हाइपर ओएस का फोन में जो है DPI ऑप्शन ऑन हो जाएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। थैंक यू।